वही एग्रीमेंट में क्या क्या रहेगा? एग्रीमेंट में यही रहेगा कि जितना भी आप रॉ मटेरियल हमसे लेंगे उतना फिनिश गुड जो है रेडी माल वो हम आपसे ले लेंगे, यानी उसका मार्केटिंग करने की आपको झंझट नहीं है सर। क्योंकि जैसे भी व्यूवर्स देख रहे हैं तो कुछ लोगों के मन में डाउट्स भी आते हैं कि यार ये सच में ऐसा होता है कि नहीं, अगर समझो इनकेस अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या वो लीगल एक्शन ले सकते हैं? ले सकते हैं ना सर, बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि देखिए सर, दो चीज़ होती है, एक तो जो आदमी लीगल प्रोसेस में काम करता है वो कभी चीट नहीं कर सकता है, क्योंकि कानून से बड़ा कोई बंदा नहीं है, बराबर है। और जिसको चीट करना है वो कभी भी लीगल प्रोसेस में जाएगा ही नहीं, तो ये चीज़ें होती है। बाकी के कंपनीज में और हमारे कंपनी में यही सबसे मेन एक डिफरेंस है कि बाकी के लोग सिर्फ बोलते हैं कि हम एग्रीमेंट करते हैं या 5 साल का करते, 3 साल का करते, 4-6 महीना चलाते, ऑफिस बंद करके भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों का लीगल कुछ भी नहीं रहता है। मेरा आप देखेंगे तो 500 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर हम एग्रीमेंट करते हैं, जो भी लीगल प्रोसेस है उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स जो है हमारे चैनल पे या फिर जो अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ के चैनल्स देखते हैं उनमें ऐसा होता है कि यार हमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरीज लेनी पड़ती है, पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जगह लेनी पड़ती है, और उसके बाद हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपका मार्केट बढ़ता है वैसे वैसे आप सक्सेसफुल हो जाते हो। बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है या फिर पैसों की कमी है, जगह की कमी है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जिसमें मैं आ गया हूँ प्रगति गुरु उद्योग से मिस्टर कदम सर से मिलने, जहां पर सर ये जो सारी प्रॉब्लम्स है आपकी उसका सॉल्यूशन लेकर आए। जैसे कि जो भी मशीनरीज है या फिर जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है वो आप किराए पर बिजनेस शुरू कर सकते हो, और इन केस इन फ्यूचर अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है तो सर ये भी गारंटी देते हैं कि वो मशीनरीज वो सर रिटर्न ले लेते हैं और अपना जो भी डिपॉजिट आप जमा करते हो वो आपको वापस मिल जाता है। तो क्या बिजनेस मॉडल रहने वाला है, एग्रीमेंट क्या क्या है सर, सब कुछ प्रूफ के साथ सर हमें बताने वाले हैं, डेमो भी दिखाने वाले हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है, घर से कैसे काम शुरू करना है, मशीनरी से प्रोडक्ट कैसे बनाना है, सब कुछ इस वीडियो में रहने वाला है। सर सबसे पहले बात तो ये है कि अभी जो कोरोना का जो कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है इसमें बहुत सारे लोगों के जॉब गए हैं, मतलब नौकरी नहीं रही है, जॉबलेस है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आती है कि भाई घर कैसे चलाए, बराबर है। तो इसके लिए हम लोग ये लेकर के आए हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें से हम लोग ऐसा ही करते हैं कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है लेकिन फिर भी उनको काम करना है तो उसके लिए हम लोग मशीन किराए पे दे करके भी उनको रोजगार दिलाते हैं। और दूसरी बात, वो जो फिनिश गुड है जो उन्होंने तैयार किया हुआ जो माल है वो भी हम रिटर्न लेते हैं, वो भी बायबैक एग्रीमेंट के साथ में, नोटरी बायबैक एग्रीमेंट के साथ में। यानी यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो आपको मशीन खरीदी करने की या सेल परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप किराए के ऊपर लेकर के भी काम कर सकते हैं। दूसरी बात, जो माल आपने बनाया है उसका मार्केटिंग करने की भी झंझट नहीं है, यानी वो माल भी आप हमें दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि अगर किसी बंदे को मशीन परचेस करना है तो वो फुल पेमेंट भर के भी परचेस कर सकता है। अच्छा। किसी के पास फुल पेमेंट नहीं है तो वो EMI पे भी मशीन ले सकता है। अच्छा। और किसी को ऐसा है कि ना तो उनको फुल पेमेंट से मशीन लेना है ना उनको EMI पे लेना है, मशीन खरीदना ही नहीं है लेकिन फिर भी काम करना है, तो उसमें वो मशीन के लिए जो भी डिपॉजिट है वो डिपॉजिट रख करके मशीन किराए पे लेकर के घर बैठे काम कर सकते हैं। अच्छा। और दिन का 1,000-1,200 रुपया वो अर्निंग कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने बायबैक बोला है कि भाई आप लोग माल बनाएंगे और आप वापस लोगे और जो भी प्रॉफिट रहेगा वो उन्हें आप जो हमारे व्यूवर्स हैं जो बिज़नेस शुरू करेंगे उन्हें देंगे, तो इसका प्रूफ क्या है वो ज़रा सब बताइए हमें। बिल्कुल सर, इसका प्रूफ ये है कि हम ओरली नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज तक मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं कि जो बोलते हैं हम एग्रीमेंट करेंगे, बायबैक लेंगे, 5 साल का एग्रीमेंट करेंगे, 3 साल का करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक पेज के ऊपर फॉर्मेट लिख करके सामने वाले को बेचते हैं। हमारे यहाँ पे मैं आपको एग्रीमेंट दिखाऊंगा जो कि 500 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर कोर्ट नोटरी एग्रीमेंट करते हैं हम, उसके बाद ही कस्टमर को हम मशीन या जो भी काम है वो दे देते हैं। अच्छा। हाँ, और उसमें ये सब चीज़ लिखा रहेगा। बाकी के लोग क्या करते हैं कि कहीं से मशीन खरीद लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सेल करके भाग जाते हैं। हमारा खुद का मशीन मैन्युफैक्चरिंग है, मेरी खुद की कंपनी है यहाँ अंबड़ में, नासिक में, उसका मशीन मैन्युफैक्चरिंग भी अपना खुद का है,
दूसरी बात, मेरी जो कंपनी है ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ इतने सारे जो अवार्ड्स है वो भी उसी रीजन से है। अच्छा। क्योंकि क्या है कि लीगल प्रोसेस में लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये जो बिजनेस है ये ऐसा बिजनेस है जो कि जिसमें लाइट की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है। वाह। यानी घर में कोई भी एकदम आसानी से, बुजुर्ग हो या बड़े लोग हो, कोई भी हो, एकदम आसानी से। इसके लिए जरूरी नहीं कि स्किल चाहिए या उसका नॉलेज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो है ये मैनुअल वर्क है। अच्छा। इसमें बिजली की जरूरत नहीं है और कम जगह में एक मशीन के ऊपर 3-4 लोग भी आराम से काम कर सकते हैं। right. तो इसके लिए ये डेली नीड है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है जिसके हम बात कर रहे हैं, ये स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस, ऑफिसेस, हर जगह पे लगने वाला है और डेली नीड है। डेली नीड है। हाँ, तो चलिए सर बताएं। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस शुरू करना है उसके लिए जो मशीन लगती है वो ये मशीन है, जिसमें ये एडाप्टर फिलिंग मशीन है, ये इंक फिलिंग मशीन है, ये टिप प्रेस प्लेट है और ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। तो ये 4 मशीन का सेट आता है जो कि मैनुअल है। इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं है, लाइट नहीं लगती है, एकदम कम एरिया में, कम जगह में हर कोई एकदम आसानी से काम कर सकता है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ ये माल किस तरह से तैयार किया जाता है। ये जो टिप है, ये टिप को, ये जो प्लेट है, ये प्लेट में ऐसे लगाना होता है। तो ये जो है ये बैरल आता है, ये बैरल को, ये एडाप्टर है, ये एडाप्टर को इसमें रखना है, ये इस तरह से रखना है। और इस तरह से रखने के बाद ये जो बैरल है इसको ऐसा रख के इसको केवल हल्का सा प्रेस करना है ऊपर से। ये देखिए, ये इस तरह से बैरल फिट हो गया। अब बैरल में एडाप्टर फिट हो गया। अभी इसको ये जो इंक फिलिंग मशीन है इसमें लगा देना है, ये इस तरह से लगाना है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से बैरल रखना है और ये जो हैंडल है इसको हल्का सा प्रेस करना है। ये देखिए, ये इस तरह से, ये इस तरह से ये पेन बन के रेडी हो गया। अभी इसको खाली ये जो टिप है ये टिप में प्रेस करना है। ये इस तरह से ये पेन आपका बन के रेडी हो गया। तो ये जो पेन बना है, अभी इसको हम क्या करेंगे, एक साथ में कम से कम 120 या 130 पेन एक साथ में ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाले जाते हैं। ये इस तरह से रखना है और इसके ऊपर जो है इसका जो कैप है, ये कैप को रखना है और इसको जो है ये खाली हल्का सा हैंडल घुमाना है इस तरह से। इससे क्या है कि ये जो पेन है, पेन में जो एयर बबल आते हैं वो नहीं आएंगे, यानी उसका जो एयर है वो पूरा निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ 2 मिनट इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। अभी इसको जो है सेंट्रीफ्यूज होने के बाद इसको खोलना है, और खोलने के बाद ये जो पेन है, ये पेन को इस तरह से उल्टा करके 12 घंटे तक रखना है। अभी ये 12 घंटा इसलिए रखना है कि यदि अगर इसके अंदर कुछ एयर बबल रहेगा, जो भी लीकेज रहेगा, तो वो यहाँ से 12 घंटे के अंदर में लीकेज जगह पे हो जाएगा, ताकि बाकी के पेन आपके ख़राब नहीं होना चाहिए। उल्टा रखना होता है। उल्टा रखना होता है। ये जो पेन है बनाया हुआ, ये मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है। ये इस तरह से, ये देखें, ये इस तरह से चालू हो गया ऐसा। ये कुछ कस्टमर के पैकिंग है, जो तैयार माल है वो इस तरह से पैकेट में पैकिंग करके हमें भेज देते हैं। आप बॉक्स में भी भेज सकते हैं, इस तरह से पैकेट करके भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से सर कैप नहीं होता है क्या? नहीं, इसका जो कैप है ना सर, हम कस्टमर को नहीं देते हैं, हम उनका काम नहीं बढ़ाना चाहते। तो उसका कैप हमारे यहाँ कंपनी में पेन बन के आने के बाद जब रिजेक्शन चेक हो जाता है तो उसके बाद उसको कैप लगाया जाता है। क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल देते हैं तो उसमें बैरल, एडाप्टर, टिप और इंक, ये 4 चीज़ें देते हैं। जो ये 4 चीज़ें इसमें है, बैरल है, एडाप्टर है, टिप है और इंक है। ओके। और इसमें सर खास बात यह है कि कोई भी बंदा एक दिन में 8 से 10 घंटा काम करता है,
तो अगर मान लीजिए कि 2 से 3 हज़ार पेन भी बना लेता है दिन भर में, तो 1000 से 1200 रुपये या 1500 रुपये वो एक दिन का अर्निंग कर सकता है। अच्छा, और सर जो भी वो अर्निंग करेगा, मतलब आपको वापस वो भेजने वाला है, जैसे आपने बताया कि आप जो रेडी मटेरियल है वो ले लोगे, तो जिसका जो पेमेंट है वो कैसे मिलता है उन्हें? वो सर ऑनलाइन पेमेंट होता है, उनका जो भी बैंक डिटेल्स रहेगा उसके ऊपर उनका माल जमा होने के बाद 10 दिन में उनका पेमेंट हो जाता है। और एग्रीमेंट सर कितने महीने का या फिर कितने सालों का होता है? ये जो एग्रीमेंट है सर, कानून के हिसाब से 11 महीने का रहता है, 11 महीने के बाद फिर रिन्यू कर सकते हैं। और सर एग्रीमेंट में ये भी लिखा रहता है कि जैसे क्या है कि 3 टाइप के एग्रीमेंट बनते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग प्रोसेस है। जैसे पहला जो प्रोसेस है वो रेंट वाला है, रेंट में क्या है कि 2 पैसा प्रॉफिट कम रहता है, लेकिन उसमें ऐसा है कि कस्टमर को डिपॉजिट भरना होता है और वो डिपॉजिट 11 महीने तक रहेगा। जो भी बंदा 11 महीना कंटिन्यू काम करता है और 11 महीने का एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद उनको अगर आगे काम नहीं करना है, उसमें मशीन हम रिटर्न ले लेंगे और उनका डिपॉजिट उनको वापस कर देंगे 11 महीने के बाद। हाँ, और दूसरा जो प्रोसेस है कि EMI वाला प्रोसेस। अभी EMI वाले प्रोसेस में ऐसा है कि उसमें मशीन रिटर्न नहीं होगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट रेंट से थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, बराबर है। और तीसरा जो प्रोसेस है फुल पेमेंट वाला, तो फुल पेमेंट वाले में भी मशीन रिटर्न नहीं होता है, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट ये दोनों से ज़्यादा है। Okay. तो आप डिपेंड कस्टमर के ऊपर करता है कि उसका कितना इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है उस हिसाब से। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास इतने सारे कस्टमर है, मतलब ऐसे पकड़ के चलिए कि 75% कस्टमर ऐसे है कि जो 5 मशीन 10 मशीन का सेटअप लगा करके बाकी के लोगों को रोजगार दिलाने का काम करते हैं। wow. यानी उस हिसाब से उनको इनकम जनरेट होता है। wow. तो सर अगर हमारे व्यूअर्स को ये बिजनेस शुरू करना है तो वो कैसे कर सकता है? सर ये बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले तो हमारे जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जो भी व्यूअर्स है, कॉल करने के बाद हमारी जो टीम है उनको हम पहले शुरू में एग्रीमेंट की कॉपी भेजेंगे व्हाट्सएप पे, उसके बाद उनको कोटेशन सेंड करेंगे, एग्रीमेंट की कॉपी भेजेंगे। एग्रीमेंट पढ़ने के बाद, कोटेशन देखने के बाद वो मशीन बुक कर सकते हैं, अमाउंट भर के मशीन लेकर के काम शुरू कर सकते हैं। वो हमारी टीम को कांटेक्ट करके उनको अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा तो वो क्लियर कर सकते हैं। जब तक उनका पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तब तक 1 रुपया भी किसी ने नहीं भरना है।